हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट, आपका क्लास 12th का चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर के मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा चुकी हूँ सब। इस चैप्टर में से आपके डिजीजेज आती हैं, मैं सारी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, आपको सब वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट नोट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12th के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए तथा इसकी रोकथाम एवं उपचार लिखिए। जो आपका कैंसर वाला क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी। अगर ये बाय चांस लॉन्ग में आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं आने वाली मतलब वीडियो कर बनाऊंगी और कैंसर के ऊपर या फिर अदर शॉर्ट नोट के ऊपर, तो अगर आपका बाय चांस कैंसर लॉन्ग में आता है तो जो भी शॉर्ट नोट है कैंसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप पूरा एक क्वेश्चन बनाकर लिख देंगे। वैसे ये मोस्टली शॉर्ट नोट में ही आता है, कैंसर के से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट नोट हैं जो मैं आगे कराऊंगी। तो आज का शॉर्ट नोट है हमारा कि आपका क्वेश्चन आता है कि कैंसर पर टिप्पणी लिखिए तथा इसके रोकथाम व उपचार लिखिए। तो आपको कैंसर के बारे में बताना है कि कैंसर क्या होता है, इसके टाइप्स बताने हैं और रोकथाम व उपचार, ये आपका आता है 3 नंबर में, ठीक है। कभी कभी 5 में भी आ जाता है। तो नॉर्मल सेल्स का असामान्य व अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। मतलब जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स या फिर कोशिकाएं, वो क्या है, बिल्कुल असामान्य, बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप से क्या है, बढ़ती जा रही हैं, उनमें सेल डिवीज़न होता ही जा रहा है। विभाजित होना मतलब डिवीज़न। तो जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उनका असामान्य व अनियंत्रित रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है, ठीक है। अगर कोई आपसे 1 मार्क्स में आता है आपका क्वेश्चन कि कैंसर क्या है, तो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स का अनियंत्रित और असामान्य रूप से विभाजित होना कैंसर कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है, मतलब जो कैंसर की स्टडी है वो किस में की जा रही है, ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी असामान्य सेल कैंसर सेल्स कहलाती है। मतलब अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, बिल्कुल एबनॉर्मल समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन अगर आपको लॉन्ग में पढ़ना है तो ये मैं क्लास 11 का चैप्टर सेल डिवीज़न है उसमें मैंने लॉन्ग में पढ़ा रखा है। सेल डिवीज़न समसूत्री विभाजन करा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। के फलस्वरूप बनी असामान्य सेल, मतलब जो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन हो रहा है उसके रिजल्टेंट जो भी सेल्स बन रही हैं उनको हम कैंसर सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनमें असामान्य और अनियंत्रित क्या हो रहा है, डिवीज़न होता जा रहा है, और डिवीज़न के बाद डिवीज़न के रिजल्टेंट या फिर फलस्वरूप जो सेल्स बन रही हैं उन्हें हम कैंसर सेल्स कहलाती हैं। असीमित वृद्धि से सेल्स धीरे धीरे गांठों का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब जब असीमित वृद्धि, मतलब कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ होने की, जब वो सेल्स हैं उनमें लगातार क्या है, ग्रोथ होए जा रही है, जिससे वो क्या है, सिस्ट या फिर जिसको बोलते हैं गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके कारण ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्मी, आप एग्जाम में अंडरलाइन करके आएंगे। जो आपका कैंसर वाला क्वेश्चन है वो ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म के नाम से भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों नेम याद होने चाहिए कि इसको ही ट्यूमर बोल रहे हैं और नियोप्लाज्म, जिसके कारण ट्यूमर एंड नियोप्लाज्म का निर्माण होता है। ट्यूमर 2 टाइप्स के होते हैं। तो कैंसर क्या हो गया कि जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं उनमें असामान्य वो अनियंत्रित क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसके कारण क्या है, सेल्स बन रही हैं एनीमिक सेल्स, जिनको कैंसर सेल्स बोल रहे हैं। ये सेल्स क्या कर रही है, धीरे धीरे सिस्ट की फॉर्म में, जब इनमें मतलब असीमित वृद्धि होती जाएगी तो क्या है, ये सिस्ट का रूप धारण कर लेंगी या फिर गांठों के रूप में चेंज हो जाएंगी। और इसको जब ये गांठों के रूप में चेंज हो रही हैं तो तब इसको बोल रहे हैं हम ट्यूमर या फिर नियोप्लाज्म का निर्माण करती हैं। जो हमारा ट्यूमर है वो भी फॉलोइंग कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है, 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्यूमर हेडिंग डालेंगे इसके बाद आप, फिर फर्स्ट टाइप ये रहा और सेकंड टाइप ये रहा। फर्स्ट टाइप है सुदम अर्बुद। सुदम वाला जो है ये इतना हार्मफुल नहीं होता है, सुदम अर्बुद, ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। अगर आपको हिंदी में याद करने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश में याद करने की नहीं होता है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, बट आपको दोनों टर्म में याद होना चाहिए, ठीक है। ये ट्यूमर धीरे धीरे फैलता है, ये ट्यूमर कौन सा, सुदम, ठीक है। तो ये ट्यूमर धीरे धीरे फैलता है तथा शरीर के अदर पार्ट्स
एंड टिश्यू में नहीं फैलता, मतलब जो सुदम है, सुदम ट्यूमर है, वो क्या कर रहा है, जैसे जिस जगह वो ग्रो कर रहा है तो सिर्फ उसी जगह को वो इफेक्ट डाल रहा है, जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं या फिर उसके आसपास के टिश्यू हैं, मतलब वो हाथ में, जैसे मान लो कि हाथ में ग्रो किया उसने, तो जो मेरे हाथ में जिस जगह वो ग्रो कर रहा है, आप सुदम को ऐसे याद रखो कि जिस जगह वो ग्रो कर रहा है सिर्फ उसी पर ही इफेक्ट, उस पर ही प्रभाव डालेगा, जो उसके बॉडी के आस पार्ट के पार्ट हैं, जैसे लिखा हुआ है शरीर के अदर पार्ट्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं, उनमें नहीं फैलता। जिस जगह ग्रो कर रहा है सिर्फ उसी ही पे इफेक्ट डालेगा, उसके आसपास के टिश्यूज़ पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं डालेगा सुदम वाला, ठीक है। इसलिए इसे नॉन मैलिग्नेट ट्यूमर भी कहते हैं। यह आप अंडरलाइन करके आएंगे और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपको शॉर्ट नोट में सुदम अर्बुद ना दे के ये दे दिया कि नॉन मैलिग्नेट पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको पता है कि नॉन मैलिग्नेट किसे बोल रहे हैं हम, सुदम अर्बुद को, तो फिर आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका जैसे मसल ट्यूमर मतलब मांसपेशियों का ट्यूमर, बोन ट्यूमर मतलब हड्डियों का ट्यूमर, लिम्फ नोड ट्यूमर मतलब लिम्फ होती है लस्सी का, लिम्फ को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं लस्सी का, नोड गांठ या फिर नोड जैसे ऊपर पढ़ा था गांठ भी बोल सकते हैं, सिस्ट भी बोल देते हैं, लिम्फ नोड ट्यूमर लसिका गांठ अर्बुद, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हर डेफिनेशन में आपको एग्जांपल ज़रूर दे के आने हैं, आपको पूरी डेफिनेशन ब्लू पेन से लिखनी है और जो एग्जांपल्स हैं वो ब्लैक पेन से लिख के आना है। तो सुदम अर्बुद क्या हो गया कि ये जिस जगह ग्रो करता है सिर्फ उस पर ही इफेक्ट डालेगा, जो उसके आसपास के टिश्यूज़ होंगे वहाँ पर वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा या फिर नहीं फैलेगा, इसलिए इसे नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। एग्जांपल थे इसके मसल्स ट्यूमर, बोन ट्यूमर, लिम्फ ट्यूमर, लिम्फ नोड ट्यूमर एंड ऑस्टियोमा। नेक्स्ट हेडिंग है दुर्दम अर्बुद, जो ये होता है सेकेंड हेडिंग है दुर्दम अर्बुद, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसमें कैंसर सेल ब्लड एंड लिम्फ में मिलकर बॉडी के, इसमें कैंसर सेल ब्लड एंड लिम्फ से मिलकर बॉडी के अदर पार्ट्स में एंटर करती हैं। जो हमारा दुर्दम अर्बुद है इसमें क्या है, जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी के जिस जगह वो ग्रो कर रही हैं उसके आसपास के पार्ट्स और टिश्यू को इफेक्ट डाल रही है। सुदम में क्या है, सिर्फ जहाँ ग्रो कर रहा था कैंसर या फिर ट्यूमर, ट्यूमर जहाँ ग्रो कर रहा था उसके आसपास के टिश्यूज़ पर वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, बट जो दुर्दम है उसमें क्या है, जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी इफेक्ट डाल रही हैं और टिश्यूज़ पे भी इफेक्ट डाल रही हैं। इसमें कैंसर सेल्स कॉमा ब्लड एंड लिम्फ से मिलकर, मतलब ब्लड एंड लिम्फ मतलब लसिका से मिलकर बॉडी के अदर पार्ट में एंटर करती हैं। ब्लड मतलब ब्लड और लिम्फ में मिलकर, उनसे ऐड होकर क्या कर रही है, कैंसर सेल्स हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में एंटर कर जाती है और उन पर इफेक्ट डालती हैं और वहाँ पर ट्यूमर उत्पन्न करती हैं। तो दुर्दम में क्या हो रहा है कि जो हमारी कैंसर सेल्स है, किसी को कैंसर सेल्स बॉडी में हो गई है उत्पन्न, तो वो ब्लड और लिम्फ के साथ मिलकर क्या करेंगी, बॉडी के अदर पार्ट्स में भी एंटर कर जाएंगी और वहीं पर क्या है, ट्यूमर उत्पन्न कर देंगी, ठीक। उसके बाद आपकी हेडिंग आती है, जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसके रोकथाम में उपचार बताइए, तो हेडिंग है रोकथाम एवं उपचार। इसके तीन ही रोकथाम होते हैं इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है प्रदूषण को कम करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कम करना चाहिए, प्रदूषण को, ठीक है। सेकंड हेडिंग है धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे भी क्या है, कैंसर सेल्स ग्रोथ कर जाती हैं, कैंसर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है स्वयं की बॉडी के स्ट्रक्चर में असामान्यता दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मतलब आपको अपनी बॉडी में कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी लग रहा है कि जैसे गांठ दिख रही है या फिर कुछ भी ऐसा मान्य लक्षण दिख रहा है, तो आपको तुरंत क्या है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक। ये आपके था इसके रोकथाम एवं उपचार। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से कि कैंसर क्या है कि नॉर्मल सेल्स, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या है, असामान्य और अनियंत्रित रूप से क्या है, समसूत्री विभाजन करती हैं और बहुत ज़्यादा डिवीज़न होकर क्या करती है, कैंसर सेल का निर्माण करती हैं। जो ये कैंसर सेल्स है वो असीमित वृद्धि करती हैं, कैंसर सेल्स बन गई उनमें असीमित वृद्धि होगी, सेल्स धीरे धीरे क्या है, गांठों या फिर नोड के रूप में चेंज हो जाएंगी और कैंसर उत्पन्न करेंगी। इसको बोल देते हैं ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म। ये टू टाइप्स का था, एक था सुदम
एक था दुर्दम। सुदम जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे फैल रहा है और जिस जगह ये ग्रो कर रहा है सिर्फ वहीं पे इफेक्ट डाल रहा है, जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं एंड टिश्यू हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसके एग्जांपल थे मसल्स ट्यूमर, बोन ट्यूमर, लिम्फ नोड ट्यूमर। ठीक, नेक्स्ट है दुर्दम। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसे हार्मफुल ट्यूमर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स क्या कर रही हैं, जो हमारा ब्लड है और जो हमारी लसीका मतलब लिम्फ है उनसे मिलेंगी ब्लड सेल, सॉरी कैंसर सेल ब्लड एंड लिम्फ से मिलेंगी और बॉडी के अदर पार्ट्स को क्या करेंगी, इफेक्ट कर डालेंगी और उन मतलब बॉडी के अदर पार्ट में एंटर कर जाएंगी और ट्यूमर उत्पन्न करेंगी। इसके रोकथाम उपचार ये थे कि प्रदूषण को कम करना चाहिए, धूम्रपान मतलब स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी चेंजेस लग रहे हैं ऐसा माने, वो भी एक्सटर्नल मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि नोड या कुछ भी, तो आपको तुरंत क्या है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये हो गया आपका कैंसर में, कैंसर की टॉपिक कंप्लीट। आपका आता है कैंसर पर टिप्पणी और इसके रोकथाम एवं उपचार, तो आपको इतना लिख के आना है 3 नंबर में। अगर ये बाई चांस 5 नंबर में आता है तो उसमें इसकी विधियाँ होती है, कैंसर की विधि आती है, ठीक है, इसकी विधि आती है तो वो, और रोकथाम उपचार मैंने करा दिए हैं। अगर आपको लॉन्ग में देता है तो वो इसके साथ एक चीज़ ऐड कर देता है, एक टॉपिक कि कैंसर की विधियाँ बताइए, तो वो मैं अलग से शॉर्ट नोट जब आपको कराऊंगी तो उसमें कंप्लीट करा दूंगी। ये आपका 3 नंबर के लिए है कैंसर पर टिप्पणी और उसके रोकथाम एवं उपचार, ये हो गया आपका कैंसर कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।